वेलकम टू कविशाला राहुल, स्वागत है आपका कविशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू अंकुर, गुलमोहर के लिए बहुत बहुत बधाई है, हम सभी ने देखी, सभी आपको सराहना जो थैंक यू गुलमोहर सो फिल्म मच। की है, एक्टर्स की है, एक्टिंग की है, मिल रही होगी कि अलग तरीके का एक फिल्म है जो लोगों तक पहुंचाया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राहुल, हमने फिल्म देखी, फिल्म में एक्टर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, फिल्म जो बनाता है, फिल्म जो लिखता है उसके बारे में कम लोग जानते हैं। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि हम आपसे बातचीत करें कि एक फिल्म को बनाने, फिल्म को लिखने के पीछे की क्या कहानी होती है, और उस कहानी को जानने से पहले हम अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कहानी है, आप फिल्मों में कैसे आए, आपका कोई प्लान था, कभी आपने सोचा था कि फिल्मों में आना है, या कुछ अचानक सी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप फिल्मों में आए। जी नहीं, मुझे तो बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। बहुत ही कम उम्र से मैंने ये तय किया था कि मुझे फिल्मों में फिल्में बनानी है। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। राइटर बाय चांस में बन गया था, और प्रोड्यूसर तो एकदम बाय एक्सीडेंट में बन गया था। तो मेरी जो फैमिली है, दे हैव नो कनेक्शन विद फिल्म एट ऑल। और मेरे दोनों पेरेंट्स साउथ इंडियन हैं, तो दे वर वेरी पर्टिकुलर कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग भी की, और फिर इंजीनियरिंग के वक्त मैंने थोड़े डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में। पर वो डॉक्यूमेंट्रीज जो थोड़े स्टूडेंट्स ने बनाए, वो काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस मुझे ये और करना है। एंड फिर एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ कि मैं नेदरलैंड्स गया था एक इंटर्नशिप के लिए, सीमेंस कंपनी में। और वो इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप थी, थर्ड ईयर में। और मैं इतना बोर हो गया था उधर 3 महीने, पर मैंने सीमेंस की जो हेडक्वार्टर्स है उधर, उनको कन्विंस कर दिया कि आप मुझे वापस अगले साल बुलाइए और मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल फिल्म बनाऊंगा। और उन्होंने बुला लिया मुझे। तो मैं फोर्थ ईयर में वहाँ पर वापस गया, और मैं फिल्में बना रहा था उधर। तो तभी आई थिंक माय पेरेंट्स वर कन्विंस्ड कि इसका कुछ हो नहीं सकता है, तो इसे फिल्म ही बनानी है। एंड देन मुझे न्यूयॉर्क में एक फिल्म स्कूल है, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली, तो मैं न्यूयॉर्क गया पढ़ने। और वहाँ पर मैंने बहुत छोटे पीरियड के लिए, अबाउट 8 9 मंथ्स, यूनाइटेड नेशंस में काम किया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हैज़ अ डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम जहाँ पर वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं वहाँ पर मैंने 8 9 महीने काम किए। पर मुझे हमेशा ये चाहत थी कि मैं मीरा नायर के साथ काम करूं, क्योंकि वो न्यूयॉर्क बेस्ड है और मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद थी बचपन से, जब से मैंने फिल्में देखी। और तब मैं उनके पीछे पढ़ता रहा। काफ़ी हमारी मुलाकात हुई कल्चरल इवेंट्स में न्यूयॉर्क में, और फिर फाइनली एक दिन उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ पर एक जॉब के लिए मैंने अप्लाई की और मुझे मिल गई। और तब से आई थिंक 12 साल हो गए अभी मैं मीरा के साथ काम, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किए। और फिर अभी पिछले साल हमने गुलमोहर की शूटिंग शुरू की और अभी रिलीज हो। तो ये मेरी कहानी है। जी, और आपने जैसे बताया कि आपने इंजीनियरिंग की, मुझे लगता है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा सारा कुछ कर रहे होते थे। मेरा खुद का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैंने उसके बाद कुछ वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करा, फिर एक अलग एक दो कंपनी में काम करा, उसके बाद में हम कविशाला में आ गए। सो मुझे लग रहा है कि इंजीनियर्स जो अच्छा, होते हैं वो इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे होते हैं, कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो और आप जिसमें बहुत आई अच्छा थिंक जी मे बी, बट आई थिंक यू नो उस जमाने में, मतलब हमारे पेरेंट्स के जमाने में वही 3 प्रोफेशंस थी, या तो इंजीनियरिंग करो, या फिर डॉक्टर बनो, या फिर अकाउंट्स करो। तो आई थिंक एंड वी वर लीडिंग टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, तो वो कहते थे अच्छा तुम्हें क्या करना है, ये 3 ऑप्शन है। मेडिकल तो बहुत बहुत ही टफ है, एंड प्लस हाँ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड इंजीनियरिंग वॉज फेयरली सिंपलर आई गेस हमारे लिए टू गेट इन, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड साइंस था। बट फिर एक बार घुसे तो आप रियलाइज करते हो, आई थिंक हमारे जनरेशन के लोग और रियलाइज करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि शायद हमारे पेरेंट्स के वक्त अपॉर्चुनिटीज और नहीं थी। आई थिंक वो दैट्स कम द थी बिग रीजन। वैसे। बट ऑल्सो आई मस्ट से इंजीनियरिंग ने बहुत हेल्प भी किया नाउ दैट आई लुक बैक, क्योंकि ये जो हाँ सिस्टमैटिक थिंकिंग है और इतने सारे केटीज मिले मुझे,
तो वो टाइम मैनेजमेंट की कौन सा सब्जेक्ट कभी पढ़ना चाहिए, कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी साल सिर्फ 5 एग्जाम नहीं दिए, मुझे इतने केटीज आए थे इंजीनियरिंग में, तो हमेशा 5 सब्जेक्ट से ज्यादा ही थे, तो वो ओ मैनेजमेंट ना मुझे अभी प्रोड्यूसर में बहुत काम आ रहा है। नाइस सर। सो ये गुलमोहर का आइडिया और इतना कैसे आया स्ट्रेस बना आपका? देता है इंजीनियरिंग आपको, क्योंकि इतना स्ट्रेस है इंजीनियरिंग में जी बिल्कुल। जी। गुलमोहर की आइडिया का आइडिया, वेल, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने एक फिल्म बनाई थी आजाद, जो एक 30 मिनट की फिल्म थी, विद अतुल कुलकर्णी एंड साक्षी तन्वर। और उस फिल्म के बाद मैंने एक या उस फिल्म के दौरान मैंने एक फीचर फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी अधूरे, और वो मीरा नायर प्रोड्यूस करने वाली थी मेरे साथ, मैं डायरेक्ट करने वाला था। वो मेरी पहली फिल्म होने वाली थी, हम फुल्ली फाइनेंस थे, मगर कोई एक्टर उसे करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दो एक्टर्स की, दो मेल एक्टर्स की कहानी है। और फिर मैंने काफी एक्टर्स के पास गया, और ये ओटीटी के पहले, मतलब ओटीटी बस आई थिंक इट वाज जस्ट कमिंग इन इंडिया। एंड फिर मैं एक दिन घर आया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और लो था, और मेरी बीवी जो है, जो मेरी फ्रेंड भी है इंजीनियरिंग के लिए से, उसने उन्होंने कहा कि आप एक फैमिली फिल्म लिखो, क्योंकि फिर सिर्फ फैमिली फिल्म्स बिकती है, और सिर्फ लोगों को सिर्फ फैमिली और हैप्पी फिल्म देखनी है। तो वो मुझे, उन्होंने चैलेंज किया, और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और वैसे एक थॉट आया कि चलो फैमिली फिल्म बनाते हैं। बट देन अर्पिता मुखर्जी, जो मेरी को राइटर है न्यूयॉर्क में जो रहती है, मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी एक फैमिली बेस्ड फिल्म बनानी है, एंड आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ, क्योंकि ये स्पेस मुझे बिल्कुल पसंद पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से नहीं हूँ, मैं काफी न्यूक्लियर फैमिली में पला भरा हूँ। और उसी दौरान हम भी पेरेंट्स बनने वाले थे, मेरी वाइफ और मैं, तो ये एक थॉट आया कि आज के टाइम पे फैमिली और घर के क्या मायने हैं। तो ये थॉट को लेकर अर्पिता के साथ मैं डिस्कस करते रहा, और वैसे वैसे ये कहानी बनती गई। जी। और इसका लिखने का क्या क्या प्रोसेस रहा होगा, अगर आप वो, चूंकि हम थोड़ा जो दर्शक होंगे हमारे में भी बहुत सारे स्टोरीज लिखते हैं, बहुत सारी पोएट्री लिखते हैं, जी बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, जी अगर आप लिखने का क्या प्रोसेस था, चूंकि अर्पिता का मैं शायद देख रहा था कि उनका भी पहला प्रोजेक्ट था जो इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट था। तो अर्पिता जो है वो थिएटर से है, वो न्यूयॉर्क में बहुत, वो एक प्ले राइट भी है और डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, मगर थिएटर स्पेस में है। तो ये उनकी पहली फिल्म में, ये उनकी पहली प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है। और अर्पिता, और द एडवांटेज विद अर्पिता और मी इज दैट, एक तो हम बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और हमने बहुत काम भी किया है साथ में इन वेरियस कैपेसिटीज, क्योंकि एक स्टेज म्यूजिकल है जिसका मैं प्रोड्यूसर हूँ, और अर्पिता उसकी राइटर है और एसोसिएट डायरेक्टर है, तो हमने काफी काम किया है एक साथ। और वो जब भी बॉम्बे रहती थी वो मेरे घर पे रहती थी, मैं जब भी न्यूयॉर्क जाता था मैं उनके घर पे रहता था। तो वी वर वेरी ओपन एंड क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी वांट टू वॉच, और द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी वांट टू मेक इन आवर पर्सनल लाइव्स। एंड ऑल्सो हमारी सोच और सोसाइटी के प्रति हमारे क्या ओपिनियंस है, वो बहुत मिलते जुलते हैं। डिफरेंसेस भी है, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को, मगर सिमिलैरिटी ज्यादा है उनसे, और मेंटालिटी और पेशेंस वाइज भी सिमिलैरिटी ज्यादा है। तो जब भी ख्याल आया कि ये फिल्म बनानी है और एक फैमिली के ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैं अर्पिता के पास गया था। अर्पिता तभी न्यूयॉर्क में ही थी, मैं मुंबई में था, तो हमने काफी जूम पे किया ऑल द राइटिंग, मगर प्रोसेस ये था कि सबसे पहले अर्पिता और मैं बहुत बातचीत करते थे, और कि ये कहानी क्या होनी चाहिए और हमारे किरदार कौन कौन होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने मैंने चौकआउट किया था कि ये 14 किरदार होंगे फिल्म में, और ये उनकी एज होगी, ये उनका जेंडर होगा, ये उनके रिलेशंस है, और वो फैमिली थी कहीं ना कहीं होगी अभी उनके पास। और वो अर्पिता और मैं बात करते थे, और भी कैरेक्टर्स थे, पर उनको निकालना पड़ा क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है। तो दैट वे वी डिड अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ बिटवीन ईच अदर। एंड फिर राइटिंग प्रोसेस अर्पिता और मेरा बहुत ही, ये चौथी या पांचवी प्रोजेक्ट है साथ में, बट इट्स अ लिटिल वियर्ड नाउ टू एक्सप्लेन कि कैसे हम लिख, क्योंकि कभी कभी एक ख्याल मुझे आता है, मैं उसे फोन करता हूँ, या मैं उसे एक सीन भेजता हूँ, फिर वो वापस रिप्लाई करती है, अच्छा ये सीन, या इस पॉइंट में कहानी के इस मोड में क्या, क्या
कैरेक्टर क्या सोच रहा है। तो हम एक अच्छी चीज क्या है अर्पिता और मेरे साथ, कि हम हमेशा ये सोचने कि इस पॉइंट में कैरेक्टर क्या सोच रहा है और कैरेक्टर किस मोड पे है, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो इट्स नॉट रियली प्लॉट ड्रिवन, ऑफ कोर्स देयर इज प्लॉट, बट इट्स मोर अबाउट द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर, एंड दैट आई थिंक अर्पिता ब्रिंग्स इन वेरी ब्यूटिफुली विथ हर एक्सपीरियंस इन थिएटर। और क्योंकि मैं फिल्म का बंदा हूं, तो आई ब्रिंग इन आई थिंक एंड आई होप हाउ टू सिनेमैटिकली शो इट एज अ सीन। तो वो कॉम्बिनेशन हमारा भी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। एंड देन एक तो एंड देन आई यूजुअली स्टार्ट राइटिंग द सीन्स, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्टोरी को स्केच आउट नहीं करता हूँ, स्पेशली स्टोरी लाइक गुलमोहर, आई लाइक टू ग्रो ऑर्गेनिकली। और अर्पिता का भी वही प्रोसेस है। तो हम शुरू हो जाते हैं कि सीन वन पार्टी सीन है और ये मैं चॉक आउट करता हूँ, फिर वो उसे एडिट करती है, फिर वो थोड़े आइडियाज देती है, फिर मैं एडिट करता हूँ। और डायलॉग जो है, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ और वो इंग्लिश में लिखती है, वी एक्सचेंज की थॉट क्या है। एंड कभी कभी वो सिर्फ एक वर्ड दे देती है मुझे, क्योंकि मुझे याद है अभी आपने फिल्म देखा है तो उसने एक सीन में मुझे एक आइडिया दिया कि ये सीन में इंदु को कहना चाहिए कि अरुण शुड एम्ब्रेस चेंज। और तभी मुझे एक ख्याल आया कि अच्छा ये लेट्स यूज द वर्ड तब्दीली। तो तभी तभी मैंने वो लिखा कि ओके तब्दीली से भागो मत, ये भी जिंदगी कैसे चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है राइटिंग, बिकॉज आप समझ नहीं पाते हो कि एक तो वो ख्याल कैसे आते हैं आपके दिमाग में, कब आता है। कभी कभी आप बस कंप्यूटर के सामने बैठे हो और देर आर डेज वेन यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी, आई लव द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, अगर डेडलाइंस नहीं हो तो। तो हाँ बिल्कुल, आपने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, और उसमें जो लोग हैं, शर्मिला मैम है, मनोज सर हैं, अमोल पालेकर साहब है, तो इन लोगों को डायरेक्ट करना, आपका जो पूरा फिल्म मेकिंग था गुलमोहर का, उसमें कितना टफ था, कितना आसान था, वो कैसा रहा पूरा जर्नी हुआ? टफ तो नहीं कहूंगा मैं, इट वाज वेरी एक्साइटिंग आई मस्ट से, इट वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटिंग। एंड हमें इतना वी एंजॉयड द होल प्रोसेस, क्योंकि एक चीज है, मैंने शर्मिला जी और मनोज जी, सिमरन और सूरज, ये चार एक्टर्स को मैंने पैंडेमिक के पहले कास्ट किया था 2019 में या अर्ली 2020 में, और फिर पैंडेमिक आ गई। एंड देन एक साल का हमें पुश करना पड़ा, एक साल 1.5 साल हमें पुश करना पड़ा पूरी शूटिंग। और उस दौरान हम वी वर इन टच, ऑफ कोर्स एक दूसरे को मैसेज करते थे, बात करते थे फोन पे, सो वी बिकेम क्लोजर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो जब तक हम फिल्म शुरू कर रहे थे तब तक वी ऑलरेडी न्यू इच अदर ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। एंड द थिंग विद शर्मिला जी, मनोज जी, अमोल जी, दे कम विद सो मच एक्सपीरियंस एंड दे कम विद नो ईगो एट ऑल, वो उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि जब से उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा, ऑल द एक्टर्स, इवन सिमरन, शी हैज डन सच फिनोमिनल वर्क इन तमिल एंड तेलुगु सिनेमा एंड सच बिग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल प्रोजेक्ट्स, बट शी केम विद नो बैगेज एट ऑल। एंड सब जो एक्टर्स थे उन्हें ये पता था कि ये एक ऑनसेम्बल फिल्म है और किसी का किरदार किसी और से ज्यादा या कम नहीं है, भले ही हमें दो लाइंस बोलनी है। कभी कभी तो कोई सीन्स में आप देखोगे कि शर्मिला जी या मनोज जी पीछे बस बैकग्राउंड में लेफ्ट राइट जा रहे हैं, बट दे डिड दैट बिकॉज दे सेड कि ये फिल्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर कैरेक्टर। आई मीन ये सब वी हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली ताकि हम ये बनाए ये कहानी। तो बिकॉज दे केम विद दैट इमोशन एंड दैट आइडिया कि ये हम सब साथ बना रहे हैं, इट बिकेम इजियर फॉर मी एंड माई डीओपी एंड एवरीबडी एल्स। ओके सर, आजकल मतलब कई बार होता है कि स्टोरी का डिमांड नहीं भी होता है, फिर भी बहुत सारी फिल्मों में उनका पार्ट टू, सीजन टू, बहुत सारी वेब सीरीज का, ठीक है, बनता है, एक लंबा स्टोरी है। तो इक्वल एक तो मैं आपसे गुलमोहर के बारे में जानना चाहूंगा, क्या उसमें, चूंकि वो बहुत अच्छी एंडिंग पे खत्म होता है, क्या इस तरीके के और प्रोजेक्ट लेके आप आने वाले हैं आगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से और फिल्में आनी चाहिए और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं लोग घर में आराम से फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो क्या आपका ऐसा प्लान है? और दूसरा, इस थॉट जो ये रहता है कि पार्ट टू बहुत सारी फिल्मों के या बहुत सारी वेब सीरीज में रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, फिर भी उनके बन रहे होते हैं, इसमें क्या आपके थॉट्स हैं? देखिए, आई ये जो पार्ट टू का है,
दो ही चीज है, या तो एक बिजनेस डिसीजन है, जैसे एक फ्रेंचाइज बन गई और उसकी आप पार्ट 2, 3, 4 बनाए, जैसे बागी इज अ वेरी बिग फ्रेंचाइज जो सेम स्टूडियो हैज बीन मेकिंग एंड देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट काइंड ऑफ फिल्म्स, फॉर दोस काइंड ऑफ फिल्म्स, तो वैसे ही तो सीक्वल्स बनती रहेंगी। या तो आप एज अ फिल्म मेकर और एज अ स्टोरी राइटर आपको पता है कि ये कहानी और आगे जा सकती है और फिर आप एक पार्ट 2 बना रहे हो या पार्ट 3 बना रहे हो। मेरे हिसाब से जो मुझे कहना था इस कहानी से राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो मैंने इस फिल्म के थ्रू कह दिया। नाउ आई डोंट, एटलीस्ट फॉर आई डोंट सी अ पार्ट 2 फॉर दिस, क्योंकि कहानी खत्म हो गई, 4 दिन की सब क्रेडिट, हमें पता चला कि कहाँ तक पहुंचे हैं और अब वो, सो आई डोंट पर्सनली, आई डोंट सी कि सीक्वल बनाऊंगा इसका, पार्ट 2 बनाऊंगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा ना, अभी सोच रहा हूँ बाकी प्रोजेक्ट्स का। नाउ ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, लेटर दिस ईयर वी स्टार्ट शूटिंग समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग। और चूंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप किन राइटर्स को, जो हिंदी राइटर्स हैं या फिर इंग्लिश राइटर हैं, किन राइटर्स को पढ़ते हैं, क्या आप कविताएं आपको पसंद हैं, और किस तरीके की बहुत किताबें आप पढ़ते हैं? नहीं, बहुत बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई फाइंड लॉट ऑफ कंफर्ट इन रीडिंग पोएट्री एंड लिसनिंग टू पोएट्री। तो अगर आप गुलबोर के भी गाने सुने, शैली जीत इतने अच्छे कवि हाँ है, इतने अच्छे पोएट है, एंड आई पर्सनली थिंक दैट ही इज रिटन सच ब्यूटीफुल लिरिक्स फॉर आवर फिल्म, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। एंड वो गाने आप अगर आप गाने के तौर पे सुने, या फिर अगर कभी अगर आपको मौका मिले तो शैली जी को लाइए अपने शो में, उनको कहिए कि बस ये रिसाइट बिल्कुल करें ये पोएम्स एज पोएम्स, एंड फिर भी हाँ इतना इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने लिखा है, और ऐसा लिखा है कि अगर आप उसे अलग से भी सुने तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, और अगर आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट पे उसे गाने के तौर पे सुने तो फिर इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड दैट्स द मार्क ऑफ अ वेरी नाइस पोएट व्हिच आई थिंक शैली जी इज। एंड आई वॉज रियली ब्लेस्ड क्योंकि फिर तलत जी भी थे हुज अ वेटरन, एंड कविता जी है हुज सच अ लेजेंड, तो ये सब ने इतना कोलैबोरेट करके, एंड देर ऑल फॉन्ड ऑफ पोएट्री, तो कभी बिल्कुल कभी जब हम रिकॉर्डिंग्स के वक्त भी या फिर जब हम गाने लिख रहे थे तो तलत जी वुड यू नो रिसाइट अ फ्यू लाइंस या गाते थे थोड़े लाइंस, फिर कविता जी वुड कम अप विद सर्टेन लाइंस, एंड जस्ट टू आंसर क्वेश्चन, आई फाइंड अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन पोएट्री, और मैंने उतना ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा बिकॉज आई रियली वांट टू रीड मच मोर नाउ, बट इवन इन फिल्म्स आई थिंक माय बिगेस्ट लर्निंग आई वुड से इज जावेद साहब एंड गुलजार साहब्स राइटिंग, दैट्स माय बीन माय बिगेस्ट लर्निंग इन फिल्म मेकिंग, द राइटिंग ऑफ फिल्म्स, क्योंकि उनकी फिल्में मैंने इतना इतनी देखी है, एंड द डायलॉग्स, द वे दे यूज डायलॉग्स इन द 70s एंड द 80s, इट वाज फिनोमिनल, व्हिच समहाउ आई फील वी डोंट यूज एनीमोर, also depends on the script and the kind of film, but I wish people pay more attention to dialogue because a very good way of just enhancing the language also, I think. राइट। और आगे क्या देखने को मिलेगा दर्शकों को? आपका आगे कोई प्रोजेक्ट प्रोसेस में हो, या फिर आगे कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बना अभी रहे तो हैं आप? फिलहाल हम लिख रहे हैं और इस साल के सेकंड हाफ में हम शूटिंग शुरू करेंगे उसकी, सबमिट को जो सबमिट रहेगा, ऑल 7 एपिसोड्स में रहेगा, तो अगले साल नाइस। शायद वो प्लेटफॉर्म पे आएगी। ओके। तो एनी थैंक यू सो मच राहुल, आपने एक थैंक यू बहुत अंकुर, अच्छी बातचीत हुई, और जो भी दर्शक देखेंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से। राइटिंग प्रोसेस कोई समझना चाहता है तो उसको भी काफी हेल्पफुल रहेगा, किस तरीके से फिल्में लिखी जाती हैं, किस तरीके से वेब सीरीज या प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे थैंक यू चाहूंगा कि अंकुर, आगे हम एक राइटिंग पे या फिल्म स्क्रिप्टिंग पे जरूर एक बातचीत करें, जो फुल फुली उसी श्योर, पे हो सेशन। और थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू अंकुर, टेक केयर, थैंक यू। बाय।